तो गाइज ये जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का दूसरा वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो। तो कल लास्ट क्लास में हमने क्या सीख लिया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था आप लोगों ने, क्या हमने सभी ने, क्या हम सभी लोगों ने, क्या हमने सभी लोगों ने गाइज उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस देख लिया था। इसी प्लेन के ऊपर कितना था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू। उसके बाद क्या था भैया, कोस टू थीटा प्लस टाओ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये था। और अगर मैं सिग्मा वाई डैस की बात करूँ वहाँ पर कितना था, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई बाई टू माइनस में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू, क्लियर, कोस टू थीटा, ये निकाल के बता दिया था, माइनस में टाओ एक्स वाई साइन टू थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, अब बड़े आसानी से इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, सिग्मा एक्स डैस प्लस सिग्मा वाई डैस को जोड़ रहा हूँ। लो जोड़ूंगा तो इधर से क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस ये हाफ हाफ, तो जुड़ के सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आ जाएगा। ये मुझे बताओ, ये इससे जुड़ के जीरो हो जाएगा क्या, ये इससे जुड़कर जीरो हो जाएगा क्या, बस यही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लो ये आपको पता होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, यही आपके एग्जाम में सवाल आएगा, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, कितनी ही बार ये सवाल आ चुका है। क्या कह रहा है कि ये अगर आपका प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन है तो जो समीशन है नॉर्मल स्ट्रेस की किन्हीं भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, वो क्या है भैया, कॉन्स्टेंट है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो लिख देता हूँ, ये आएगा भैया, हैंस इन इन के मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू हो तब भी ये चीज़ वैलिड होगी, इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस। प्लेन स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस जीरो कर दो, प्लेन स्ट्रेस जो समीशन है, जो समीशन है किसका भैया, नॉर्मल स्ट्रेस का, आप नॉर्मल स्ट्रेस ही इसमें पूरे में, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज कॉन्स्टेंट। क्या भैया, कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि ये किसी भी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। कहने का मतलब क्या है, ये आपका कल एलिमेंट था आपका, ये गाइस प्लेन था, क्या ये प्लेन था, इसके ऊपर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, इसके ऊपर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, जो आपको नॉन प्लेन थे जिनके ऊपर थी, इनके समीशन दोनों के बराबर हैं, इन दोनों के समीशन क्या है, बराबर। कहने का मतलब है ये प्लेन यहाँ से कितने एंगल पर था, ये थीटा एंगल पर था, ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं ये प्लेन ले लूँगा ना, ये प्लेन, तब भी ये बात वैलिड होगी, मैं ये प्लेन ले लूँगा तब भी ये बात वैलिड होगी। कहने का मतलब है ये बात हर प्लेन के लिए वैलिड होगी। तो कॉन्स्टेंट डेट इज, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट। ये ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी थीटा पर डिपेंड नहीं है। इस बात का मतलब यही हुआ कि थीटा पर डिपेंड नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बात भी मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से बता दी, मेरे हिसाब से इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा जो मैंने आपको बताया। चले भैया आगे, इस बात में मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। चलेंगे भैया, सभी लोग बताओ, चलें आगे। अब जितना पढ़ा है उसके ऊपर एक दो सवाल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की डाउट्स हैं वो क्या हो जाए भैया, एकदम क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन रेड से लिखूंगा क्वेश्चन को, चलो रेड से लिख लेते हैं। आपको मैं एक वो दे रहा हूँ एलिमेंट, अरे इससे बिना इससे सीधे चला गया, कैसे हो गया ये, नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस शेयर लग रहा है इस पर, थोड़ा सा देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एडजस्ट कर ले। यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस, और ये कोई एक प्लेन दिया हुआ है, लो जी
इनकी वैल्यू देख लो, ये सिग्मा वाई की दे रखी 3 MPa, इनकी दे रखी सेल स्ट्रेस की 2 MPa, इसकी दे रखी 6 MPa, क्लियर, इसकी 6 MPa, सेल स्ट्रेस की 2 MPa और ये दे रखा है 3 MPa। आपको क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है ए बी, ए बी एक प्लेन है जो गाइस 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, देख लो वर्टिकल से बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही बना रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेना है। और आपको इसके ऊपर क्या निकालना है, इस प्लेन के ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालनी है। और क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालनी। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या ही हो। क्लियर सर, आपने तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, यस डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, लगाओ। तो सर ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, यस क्यों नहीं कर सकता, सॉल्व करेंगे। किसी भी प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, ए बी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, किस पर, जो गिवन प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसकी हेल्प से, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला मेरे पास है ही सर, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई बाई टू प्लस में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस में टाओ एक्स वाई साइन टू थीटा। कितना आसान है, सिग्मा एक्स जब भी सवाल आए तो इधर लिख लिया करो गिवन डेटा। अब जैसा जैसा सर ने बोला था वैसा का वैसा डेटा है क्या, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है तो 6 टेंसाइल है तो सिग्मा बताओ, सिग्मा वाई 3 MPa और जो टाओ है टाओ एक्स वाई ये देखो वो 2 है, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्लास में। तो भैया 6 प्लस में 3/2 प्लस में 6 माइनस में 3/2 कॉस 2 45 डिग्री प्लस टाओ एक्स वाई, टाओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 2। दो साइन 245 डिग्री। इसको सोल्व करेगा सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू आएगी आपके पास 6.5 MPa। लो हो गया सवाल 6.5 MPa। पर इसी के ऊपर क्या पूछ रहा है, शेयर स्ट्रेस भी पूछ रहा है क्या, वो भी निकाल के दे सकते हो। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है माइनस का सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस में टाओ एक्स वाई कोस टू थीटा। इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे 1.5 MPa आ गई, ये टाओ एक्स डैश वाई डैश आ गया। लो भैया ये भी निकाल लिया, हो गया सवाल सोल्व। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कुछ खास है नहीं इन सवालों में कि जो आपसे ना हो। और ये सवाल हमें क्या लगते रहते हैं, टफ लगते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे सर ये होगा कि नहीं होगा। अरे बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होता है इन सवालों में। क्लियर, अब देखो गलती कहाँ करवाएगा क्वेश्चंस वो भी देख लेते हैं। सभी लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना इस टॉपिक के, पूरे कंप्लीट कराऊंगा ये टॉपिक। अब देखो होता क्या है, इसी का पार्ट टू PDF मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। अब सवाल क्या करता है, जानबूझ के देखना कंफ्यूज करेगा आपको वहां पर। सवाल वो ऐसे देगा और आप जल्दबाजी में वहां पर गलत करके आएंगे। सर कैसे देगा वो ही तो दिखा रहा हूं, रुको, ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, शेयर शेयर शेयर, ये 80 MPa, 60 MPa, 100 MPa, 100 MPa, 60 MPa, 80 MPa,
ये है लॉजिक, ये एंगल है 48 डिग्री, अब सवाल सॉल्व करेगा कि इस प्लेन के ऊपर, ये जो प्लेन दे रखा है इस प्लेन के ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालना है। अब ये सवाल गलत होगा आपका। कैसे गलत होगा? सबसे पहले बात तो मैं बताऊं, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सीधा, लिखोगे भी नहीं वहां पर, आपको सवाल सोल्व करने से पहले लिखना चाहिए गिवन डेटा। गिवन डेटा मुझे बताओ सिग्मा एक्स कितना है? 100 टेंसाइल, नहीं 80 है, कितना है भैया? 80 MPa। सिग्मा वाई कितना है भैया? 100 MPa। टाउ एक्स वाई, ये तो चलो ध्यान दे लोगे, उल्टी डायरेक्शन है, माइनस का 60 MPa। अब आप क्या करोगे, थीटा वहां पर 48 ही ले लोगे। यही सबसे बड़ी गलती होगी, जबकि दोस्तों मैंने आपको बताया था थीटा वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, ये हॉरिजेंटल के साथ दे रखा है, तो वर्टिकल के साथ निकालो इस एंगल को, तो ये एंगल कितना होगा भैया? 42 डिग्री होगा ये वाला, तो थीटा होगा 42 डिग्री। समझ में आ गया? अब ये ध्यान रखना, वर्टिकल के साथ लेना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज लेना है वर्टिकल के साथ, अब सॉल्व हो जाएगा। अब सिग्मा एक्स डैश निकाल लो, वही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो ये मैं बताया हूँ, जो थीटा है मेरा वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज लिया था जब सवाल सोल्व किया था, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यहाँ से सिग्मा एक्स डैश आ गया 29.28 MPa, और टाउ एक्स डैश वाई डैश आ गया, सॉल्व करेंगे माइनस का सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। इसको सोल्व किया 3.67 MPa, ये लो 3.67 MPa। तो अब मेरे हिसाब से किसी भी प्लेन के ऊपर अगर आपसे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कोई भी कैलकुलेट कराए, आप बड़े आसानी से निकाल के दे सकते हो। पर क्या मेरा मकसद यही था क्या? नहीं सर, मेरा मकसद तो डिजाइन करना था, और जब मुझे मेरा मकसद डिजाइन करना था तो मेरा तो डिजाइन मैक्सिमम वैल्यू के लिए करता हूं क्या? हाँ सर, मैं डिजाइन तो मैक्सिमम वैल्यू पे करता हूँ। अरे भाई, तो तूने मैक्सिमम वैल्यू निकाली कहाँ है? तूने तो अभी किसी भी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के दी है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के दी, जो आपको गिवन डेटा की हेल्प से। अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, इस नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल, टाउ एक्स डैश की, शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल, तभी तो डिजाइन कर पाएगा। अगला टॉपिक समझ में आगे हो गया, मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वो ही टॉपिक है, बड़े प्यार से समझ लेना। प्रिंसिपल स्ट्रेस, लड़के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनमें कि ये क्या है, ये फॉर्मूले कब अप्लाई करने हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और इनमें कुछ है भी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे तो आप खुद ही देखना, आप कहोगे सर ये तो आपने बड़े प्यार से समझा दिया। अब बात वही, मेरी लिखने की आदत है, मैं लिख के समझाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर, कोई भी आपका स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर कंपोनेंट, इसकी क्या करनी है भैया? इसकी करनी है मुझे डिजाइनिंग। इसकी क्या करनी है भैया? डिजाइनिंग करूँगा। तो डिजाइनिंग के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्या? मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। किस किस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? जिसकी उस प्लेन के ऊपर जो भी स्ट्रेस लग रही है, तो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मुझे दोस्तों शेयर स्ट्रेस की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, शेयर स्ट्रेस की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हमने सिर्फ अभी तक के ज्ञान के हिसाब से अभी तक हमने क्या पढ़ाया? अभी तक हमने ये करा है, कोई भी आपको कोई भी आपका प्लेन है,
गिवन प्लेन के ऊपर, ये आपका मान लीजिए गिवन प्लेन था जो सवाल में दे रखा था कि इसी के ऊपर निकालो, इस गिवन प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करिए, इनके मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करिए। तो अब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे जो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना, वो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है जो क्या हो भैया, मुझे वो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है जो क्या हो भैया, मैक्सिमम हो, क्या हो भैया, मैक्सिमम हो। तो वो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है जो मैक्सिमम हो, और उसी को क्या बोल देता हूँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस भैया मैक्सिमम, उसी को क्या बोल देता हूँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस। मुझे वो शेयर स्ट्रेस निकालनी है, या फिर मुझे वो शेयर स्ट्रेस निकालनी है जो क्या हो भैया, मैक्सिमम हो, हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। उसे हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, क्लियर। अब ये किन प्लेन के ऊपर लगते हैं ये भी निकालने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसको बोल देते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये हमारा टॉपिक, अब लिख लो इन बातों को। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया, समझ में आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। क्लियर, अभी इतना ही समझो, धीरे धीरे बताऊंगा। फॉर ए स्ट्रेस फॉर ए स्ट्रेस पॉइंट इन स्ट्रक्चर क्या इनफाइनाइट, एक एक ही पॉइंट से कितने प्लेन गुजर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से कितने, इनफाइनाइट लो, कितने भी गुजर सकते हैं लो, कितने भी गुजर सकते हैं। तो लिखा है फॉर ए स्ट्रेस पॉइंट इन स्ट्रक्चर इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासेज एंड एवरी प्लेन हैज डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस, हर प्लेन के ऊपर डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस होगी। कोई भी सही बात है, जितने भी प्लेन होंगे क्या दोस्तों, हर प्लेन के पास अलग से नॉर्मल स्ट्रेस होगी क्या, यस। पर इन इन्फिनिटी में से ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, इनके ऊपर हर के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस अलग होगी, पर इन इनफाइनाइट प्लेन में से कोई एक प्लेन ऐसा होगा जिसके ऊपर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी, उसको बोल देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो जिस प्लेन के ऊपर लग रही होगी उसको बोल देंगे प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन बोल देंगे उसे क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस बोल देंगे, जो भी आपको आसान लगे वो वर्ड्स हम यूज कर लेंगे। चलिए, क्लियर भैया। तो एक जिसके ऊपर मैक्सिमम लग रही है उसको बोल देंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जिसके ऊपर माइनर लग रही है उसको बोल देंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो लिखेंगे आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट प्लेन्स, इन इनफाइनाइट प्लेन में से तीन प्लेन्स ऐसे होते हैं, देखो सब लिखवा रहा हूं, तीन प्लेन ऐसे होते हैं आर सच, जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, लो, जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन देम आर आइदर या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मैक्सिमम और मिनिमम, दीज मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर टर्म एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे, इन इनफाइनाइट प्लेन में से कुछ प्लेन ऐसे होंगे जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इनमें से तीन प्लेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है भैया,
आपके मैक्सिमम है और मिनिमम है। इन प्लेन को क्या, इन इन स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं गाइज, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जिन प्लेन के ऊपर लग रही है उनको क्या बोलते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को एक सेकंड में बता दूंगा उनको क्या बोलते हैं। अगर मेजर लग रही होगी तो उसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोल देंगे, माइनर लग रही होगी तो उसे माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोल देंगे। ये वर्ड्स हम उसके लिए यूज करते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लो भैया, उनको जनरली प्रिंसिपल प्लेन बोल देंगे। लो आगे पेज ऐड कर दिया। अब ये कौन कौन सी है भैया, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन कौन सी है? सर आप बोल तो रहे, उनको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये कौन कौन सी है भैया? सर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, लो प्रिंसिपल स्ट्रेस में तीन आते हैं। एक हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक हो गया गाइस इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट स्ट्रेस बोल। एक हो गया गाइज आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर? अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीन प्लेन, इन स्ट्रेस को मिला के टोटल सभी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, इनफाइनाइट प्लेन में से कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे, कुछ क्या मतलब कितने, तीन प्लेन ऐसे होंगे जिनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम लग रही होगी या मिनिमम, उनको बोल देते हैं उन प्लेन के ऊपर जहां पर गाइज मैक्सिमम आपकी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही हो या मिनिमम स्ट्रेस लग रही हो, उसको बोल देते हैं गाइज क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस। उन स्ट्रेस को बोल देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उन प्लेन को क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। कहने का मतलब है इनफाइनाइट में से तीन प्लेन आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम लग रही है या मिनिमम लग रही है, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम लग रही है इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये जिन प्लेन के ऊपर ये मैक्सिमम और मिनिमम है उनको बोल देते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब इससे ज्यादा और क्लियरली क्या बताऊं, तो लिखेंगे दीज दीज थ्री प्लेन्स, जो ये तीन प्लेन्स होते हैं विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों प्लेन्स। ये भी फ्री का सवाल। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, जब किसी भी एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस जीरो। इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, जो आपकी इंटरमीडिएट है, ध्यान सुन लेना, जो आपकी इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इंटरमीडिएट जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्या होती है, जीरो, वो होती है जीरो। तो इसका मतलब प्लेन स्ट्रेस में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब ये हो गया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में हम सिर्फ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ेंगे और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ेंगे। क्लियर? अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है ये भी लिखवा देता हूं। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है ये भी मैं लिखवा देता हूं। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, लो भैया, द प्लेन द प्लेन द प्लेन्स ओवर विच द प्लेन्स ओवर विच प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट्स आर टर्म एज, वो प्लेन जिनके ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही होती है उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो कोई बड़ी बात है क्या, वो प्लेन जिनके ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही होती है उसको क्या बोल देते हैं भैया, उसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोल देते हैं। और प्रिंसिपल प्लेन अभी मैंने कितने ढूंढे थे, इन्फिनिटी में से तीन ढूंढे थे, जिनमें से तीन में से भी मैंने अब दो ही रखे हैं, क्योंकि एक जब मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो जो इंटरमीडिएट है
वो नहीं रहता है, वो जीरो। तो बचे दो प्लेन, तो ये दो प्लेन क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएंगे। तो करोड़ों प्लेन में से दो प्लेन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम, इन प्लेन्स को बोल दिया प्रिंसिपल प्लेन, और जिसके ऊपर ये लग रही है, इन प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है उसको बोल दिया मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो कौन कौन से होंगे, मेजर और माइनर। ये बात भी सबको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इन जो आपका ये प्रिंसिपल प्लेन होता है इस पर जो शेयर स्ट्रेस होती है वो भैया जीरो होती है। तो ये प्री का सवाल आएगा, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर कौन सी स्ट्रेस लगेगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्लियर। और प्रिंसिपल स्ट्रेस के उस प्लेन के ऊपर जहां प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही है वहां पर शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे अभी हम देखते हैं, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस निकाली थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो ये रहेगा, मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूं। तो लो मैं निकालने जा रहा हूं, कैसे निकालते हैं, क्या मेरा किसी भी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस ये था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, क्या ये था, यस। अगर मैं क्या कर दूं, डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी थीटा कर दूं, तो क्या मुझे वो प्लेन मिल जाएगा क्या, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्या लग रही होगी, नॉर्मल स्ट्रेस, क्या मुझे थीटा की वो वैल्यू मिल जाएगी क्या। अरे भाई डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, तो मुझे क्या मिल जाएगी, थीटा की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके ऊपर मैक्सिमम क्या होगा, थीटा की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके ऊपर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। लो निकाल लो, तो इसका कर दिया मैंने डिफ्रेंशिएट, साइन टू थीटा माइनस का टू प्लस टाओ एक्स वाई कॉस टू थीटा टू इक्वल टू जीरो। लो निकाल लिया यहाँ से, तो टेन टू थीटा बराबर आ गया टू टाओ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा, ये वो वैल्यू है थीटा की जिसके ऊपर, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ओरिएंटेशन दे दी इसने किसकी भैया, प्रिंसिपल प्लेन की। अब यहाँ से थीटा की दो वैल्यू निकल के आएंगे क्या, यस। अरे दो वैल्यू निकल के आएंगे ना, थीटा की दो वैल्यू निकल के आएंगी, और दूसरी वैल्यू में और कितना डिफरेंस है, 180 जोड़ दो एक वैल्यू में, अगर 180 जोड़ दोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगी दूसरी वैल्यू। तो लिख सकते हैं फ्रॉम अबव रिलेशनशिप, ये याद रखना है, फ्रॉम अबव रिलेशनशिप टू वैल्यू ऑफ टू थीटा पी। अब थीटा पी क्यों बोल दिया मैंने, मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अब ये वो एंगल है जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, तो इसलिए मैंने पी लगा दिया प्रिंसिपल प्लेन। टू थीटा विल बी ओरिएंट ऑप्टेन सेपरेटेड, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, 180 डिग्री दोनों वैल्यू के बीच में, सेपरेटेड बाय 180 डिग्री, हैंस बोथ वैल्यूज टू थीटा की वैल्यू में होगा, टू थीटा की दो वैल्यू निकल के आएंगी जहां पर उनके बीच का डिफरेंस होगा 180 डिग्री। तो मुझे बताना थीटा पी की वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस होगा, बोथ वैल्यूज, तो थीटा पी के हाफ कर दो, थीटा पी विल बी सेपरेटेड बाय एन एंगल एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उनके बीच में कितना होगा 90। जब टू थीटा की दो वैल्यू आएंगी, मान लो टू थीटा की एक वैल्यू आई एक्स और एक वाई वैल्यू, इन दोनों एंगलों के बीच में डिफरेंस होगा 180 डिग्री, अब तो मेरी थीटा पी में कितना हो जाएगा 90, इसका हाफ कर दिया मैंने, क्लियर। अब मुझे वो तो एंगल पता चल गया जहां पर प्रिंसिपल क्या मिलेगा, प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। अब मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, उस प्रिंसिपल प्लेन की उसकी कैसे वैल्यू निकालूं, उसके लिए मैं अगले पेज पे जाता हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। तो लिख सकता हूं नाउ नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर गिवन बाय, प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब उनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की, मेजर और माइनर। लो भैया क्या मुझे बता सकते हैं बड़े आसानी से,
बड़े आसानी से आप मुझे बता सकते हैं क्या कि टेन टू थीटा पी बराबर आया टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बड़े धूमधाम तरीके से? लो अगर ये टू टाउ एक्स वाई है और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है तो ये टू थीटा पी होगा, लगा लो यही तो होगा। क्या मुझे आप ये भी निकाल के दे सकते हो क्या? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, पाइथागोरस प्रमेय से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस टू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये भी आप निकाल के दे सकते हो? यस, ये भी निकाल के दे सकते हो, कैसे देख लो। अब मुझे बताओ सिग्मा एक्स डैस की वैल्यू क्या थी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, डेरिवेशन कर रहा हूँ आपको, रिजल्ट याद रखना है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा पी प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा पी। ये गाइज वो एंगल आया था जिसके ऊपर आपको प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा इतने एंगल के ऊपर, अगर वो थीटा की वैल्यू डालकर यहाँ पर रख दो तो आपके पास क्या उस प्लेन के ऊपर प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर स्ट्रेस पता चल जाएगी आपको? क्या फिर प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर स्ट्रेस पता चल गई, इसका मतलब आपको क्या पता चल गई? प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गई। तो लो उठा के रख दो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा पी की वैल्यू डालो यहाँ से, इस डायग्राम से सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई ये आएगा। इसको मैं बोल देता हूँ, इस वाली वैल्यू को पूरी को बोल देता हूँ मैं के बोल देता हूँ, बार बार नहीं लिखा जाएगा मेरे से, तो बाई के, के की वैल्यू क्या है? रूट ये प्लस टाओ एक्स वाई और अब साइन टू थीटा पी की वैल्यू डाल दो, टू टाओ एक्स वाई बाई के। लो भैया इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस वन बाई टू, देखना सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस टू टाओ एक्स वाई का स्क्वायर। लो जी और नीचे क्या आएगा? के, यहाँ से सोल्व कर लो। लो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई भैया, सिग्मा एक्स डैश बोल दो या सिग्मा मैक्सिमम बोल दो या भैया सिग्मा पी वन बोल दो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। सिग्मा एक्स डैश की उस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी नॉर्मल स्ट्रेस की, वो निकल के आ गई क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू, ये आपको रखनी है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस में टाओ एक्स वाई का स्क्वायर। लो तो ये है गाइज प्रिंसिपल स्ट्रेस, किसी भी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी भैया, इसके लिए डिजाइन करेंगे आप, ये था हमारा मकसद। सिमिलरली आपको मैंने बोला ना, ये तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस है, मिनिमम भी तो हो सकती, मिनिमम क्या होगी? लो भैया मिनिमम क्या होगी जिसको अपन क्या बोल रहे थे? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिमिलरली डेरिवेशन दोबारा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइनस लगा दो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाओ एक्स वाई का स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना। लो भैया तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गई, मेजर भी और माइनर भी। मेजर मतलब जो मैक्सिमम वाली, ये मेजर है मेजर, और ये क्या है भैया? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मैंने क्या बोला था, जहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही है वहां पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है? जीरो। जीरो देख लेते हैं भैया, जीरो होगा कि नहीं होगा, पहले इतना लिखो बड़े आराम से धूम धड़ाके से, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं भैया जीरो होगा कि नहीं होगा। चले भैया अब जैसे देख लो, मैं दिखा भी देता हूँ, किसी भी प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, अगर उसमें आप ये एंगल डाल दें तो आपको क्या, ये एंगल किसका है? प्रिंसिपल प्लेन का। क्या प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस पता चल जाएगी?
और जब आप प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस निकालोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये बात बोली है, देख लो तो प्रूव करके। ऑल्सो मैंने क्या बोला है, शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन आर जीरो, जीरो तो टाउ एक्स डैश वाई डैश किसी भी प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या यही होती थी। लो अब इसमें वो एंगल डाल दो, किस कौन सा, जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन था, जो जहाँ पे ये पता चल रहा था इतने एंगल पर प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, और प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस क्या होती है, जीरो। तो चेक कर लेते हैं, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा की वैल्यू उसी डायग्राम से पिछले वाले से बाई रूट बाई के प्लस टाओ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और भाई नीचे आएगा के, इस टू से ये टू कट गया, दोनों क्या बन गए, देखो टाओ एक्स वाई सिग्मा एक्स, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का के दोनों कट के कितना आ गया भैया, देख लो घटा लो, टाओ एक्स डैस वाई डैस बराबर जीरो। कहने का मतलब है प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर, अब ये प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर ही शियर स्ट्रेस निकल गया है, क्यों, क्योंकि आपने जो ये एंगल डाला है ये प्रिंसिपल प्लेन का डाला है कि ये प्लेन का ओरिएंटेशन इतना होगा। तो प्रूव, तो ये प्रूव कर लिया कि जो प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल प्लेन है उसके ऊपर शियर स्ट्रेस जीरो होगी, कौन सी बड़ी बात है। तो ये प्री के सवाल हैं जो आपको रटने हैं, इनमें ज़्यादा मार्क 1% भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमने प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस देख लिया, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है भैया, प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। सर प्रिंसिपल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन क्या, आपको इनफाइनाइट प्लेन है, इनमें से वो प्लेन जिनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम लो हो उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और वो तीन थी, पर मुझे प्लेन स्ट्रेस के लिए पढ़ना था तो इंटरमीडिएट जीरो हो गया, तो दो ही बच गए वो प्लेन, जिसमें एक के ऊपर प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, एक के ऊपर मिनिमम होगा, जिसके ऊपर मैक्सिमम होगा उसको मेजर बोल दिया, जिसके ऊपर मिनिमम उसको माइनर बोल दिया। क्लियर भैया, चले अगला। ये तो मैंने इसकी बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात हो गई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं भैया, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं मेरे हिसाब से। लो जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी, उन इनफाइनाइट प्लेन में से कुछ प्लेन ऐसे होंगे जिनके ऊपर शियर स्ट्रेस की क्या होगी भैया, क्या होगी गाइस, मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, उसको बोल देंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। लो भैया, आउट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन्स जो एक पॉइंट से पास हो रहे थे, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, लो भैया थ्री, कितने भैया थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ऑन विच जो मैग्नीट्यूड है किसका, शियर स्ट्रेस का, वो मैक्सिमम है। कितने प्लेन ऐसे, तीन, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। अब इन प्लेन को क्या बोल दोगे, इन स्ट्रेस को तुम बोल दोगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और इन प्लेन को बोल दोगे दीज प्लेन्स आर टर्म हैज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, लो भैया अब इनमें से तीन में से मेरी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो दो ही बचेंगे, वो भी लिख देता हूं, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ओनली
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एग्जिस्ट ऑन विच शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम. शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम. अब क्या होता है तीसरा पॉइंट, मैं आपको बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो हम आपको प्रिंसिपल प्लेन भी पता चल गया आना गाइस, और आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी पता चल गया क्या? यस, ये भी आपको पता चल गया. इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए. तीसरा पॉइंट, इसको मैं ड्रॉ करके भी बता दूंगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन कौन सा होगा? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन आपको पता ही है, दो ही बचे आपके पास, इज परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट है, इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ द टू प्रिंसिपल प्लेन. जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन होता है वो बाईसेक्टर होता है गाइस, जो आपका प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल प्लेन है उनका. क्या कहने का मतलब इस लाइन को थोड़ा समझो. मैंने बताया था आपके कितने प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए प्रिंसिपल प्लेन कितने, दो, और दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर हैं. सभी लोग मुझे बताओगे दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर हैं. दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं. लो, मैंने ऐसा बना दिया समझाने के हिसाब से, दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं. तो ये वो प्लेन है, लो ये 90 डिग्री पर है, मैं बाद में बना दूंगा. लो, ये क्या है भैया, ये आपके प्रिंसिपल प्लेन है. और प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं ये भी आपको पता है, जहां पर क्या मैक्सिमम है, जहां पर आपकी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम. अब जो शेयर स्ट्रेस वाले हैं, जो शेयर स्ट्रेस प्लेन होता है वो इन दोनों का बाईसेक्टर होता है. लो, ये दोनों प्लेन का बाईसेक्टर होता है, दिख रहा है बाईसेक्टर, ये लो ये बाईसेक्टर. और ये दोनों प्लेन भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं. लो, ये बाईसेक्टर दिख गया आपको, और ये दोनों प्लेन भी एक दूसरे के कितने डिग्री पर होते हैं, रेड रेड वाले 90 डिग्री. तो ये कौन सा है भैया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन. अब देखो कितने डाउट क्लियर होंगे, आप कहोगे सर मजा ही आ गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मुझे बताओ प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अब ये एंगल कितना रह गया, बाईसेक्टर है तो 45 डिग्री रह गया क्या? और ये भी एंगल कितना रह गया, क्यों, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल, ये भी इनके बीच का एंगल 45. अब सवाल देखो ये आएगा, मुझे बताओ दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल, ग्रीन ग्रीन वाला देखो, दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल एक सवाल बनेगा एग्जाम में 90 डिग्री. दोनों मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल, दोनों मैक्सिमम 90 डिग्री, मैंने ऑलरेडी लिखवाया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. अब बताना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री. ये आएगा एग्जाम कि ये जानबूझ के ये सब लोग 90 करके आ जाते हैं. प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किधर भी देख लो, ये प्रिंसिपल, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहा, ये प्रिंसिपल प्लेन रहा, दोनों के बीच का एंगल 45 ऐसे भी देख सकते हो. ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहा, ये प्रिंसिपल प्लेन रहा, दोनों के बीच का 45 डिग्री. ये आपका प्रिंसिपल प्लेन रहा, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहा, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री. तो ये आपको याद रखना है कि वो किस दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो 90 डिग्री, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो 45, और दो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए, तो भी कितना आएगा भैया, वो तो भी वो कितना आएगा भैया, 90 डिग्री आएगा, अगर टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है तो. अब मैं इसका ओरिएंटेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, जो शेयर स्ट्रेस वाली जो वो था उसको क्या कर दूं भैया, डिफ्रेंशिएट कर दूं डी थीटा के टर्म में, तो मुझे थीटा की वो वैल्यू में पता चल जाएगी जहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रहा था जैसे पीछे. तो लिख सकता हूं हेंस फॉर शेयर स्ट्रेस
टू बी मैक्सिमम, क्या करूंगा, डी टाउ एक्स डैश वाई डैश बाई डी थीटा बराबर जीरो। तो मुझे क्या पता चल जाएगी, वो थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी जहां पर शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम। अरे डी डी बाई डी थीटा मैक्सिमम मिनिमा के लिए करते हैं ना यार। लो ये था, साइन टू थीटा प्लस में टाओ एक्स वाई कोस टू थीटा, मतलब ये डी टाओ एक्स डैश वाई डैश बाई डी थीटा कर रहा हूँ, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, साइन का क्या हो गया कोस टू थीटा, टू थीटा का टू, टाओ एक्स वाई लो ये साइन टू थीटा, अंदर क्या माइनस टू इक्वल टू जीरो। लो तो वो प्लेन कहाँ पर मिलेगा, जहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रही हो वो इस वैल्यू पर मिलेगा। लो भैया कौन सी बड़ी बात है, और अगर यही वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दूं तो मुझे उस प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस की क्या पता चल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी उसकी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो बनाओ भैया, कुछ भी नहीं है इन सब सवालों में, बिल्कुल हलवा लेवल का सवाल है। ये बस याद रख, एक बार ये दिमाग में बैठ के सारी चीजें बहुत आसान। चलें भैया लो ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, तो यहां सिर्फ दो वैल्यू आएंगी, लिख देता हूं फ्रॉम हेयर टू वैल्यूज ऑफ टू थीटा एस विल बी ऑब्जर्व सेपरेटेड बाई 180 डिग्री, हैंस टू वैल्यू ऑफ थीटा एस विल बी सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। लो और वो एंगल भी निकाल के दे दो आप, ये तो था, टू थीटा एस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू टाओ एक्स वाई, तो ये कितना होगा, ये भी निकाल के दे सकते हो क्या, इतना अच्छा सा ये लाइन कितनी गंदी बन गई। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस टू टाओ एक्स वाई का स्क्वायर, लो वैल्यू पुट कर दो इसमें, जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपके पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम। अभी तो ये इसको नॉर्मल इसको तो मैक्सिमम थोड़ी बोलेंगे, अभी तो वैल्यू पुट भी नहीं करी ना, ये नॉर्मल था, इसमें ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं कुछ नाम दे दूं क्या, पीछे भी सेम ही वैल्यू थी क्या, ये सेम ही थी, इसको नाम के दे देता हूं क्योंकि वो आसान हो, कैलकुलेशन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अभी इसे एंगल पुट कर रहा हूं तो इसकी क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, लो साइन टू थीटा की वैल्यू उठा के रखो यहां से, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई ये रूट वाली वैल्यू आएगी के, प्लस टाओ एक्स वाई साइन टू थीटा की वैल्यू रखो टू टाओ एक्स वाई, और नीचे आएगी के, लो टाओ एक्स डैश वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, लो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर बाई टू रूट के, टू के आएगा, रूट को रूट के को तो के मानना है, टू के, टू के प्लस टू टाओ एक्स वाई का स्क्वायर बाई
के, मतलब ये इसको सोल्व कर लूँगा यहाँ से, ताओ एक्स डैश वाई डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये निकल के आएगी। लो हो गया आपका पूरा सवाल, पूरी कहानी। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी नॉर्मल स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस की, वो आपने निकाल ली। ये रख लेना, किसी भी प्लेन के ऊपर नॉर्म शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है, किसी भी प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस, किसी भी प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला। किसी प्लेन के ऊपर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, ये फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ गया क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप चाहो तो इसी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैं इसी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। लो लिख देता हूँ, अभी तो टाइम है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका जो शेयर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्म में लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे देख सकते हो मुझे बताओ, क्या मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गया था क्या? सिग्मा मैक्सिमम बोल दो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लो दोनों को घटाओ, क्या निकल के आता है, लो देखो, ये लिखवा चुका हूँ पीछे फॉर्मूला। क्या आएगा भैया, घटाया, भैया घटाया तो ये था ना फॉर्मूला, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस में टाओ एक्स वाई का स्क्वायर। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये वाली टर्म से ये कट जाएगा। लो बताना, सिग्मा मैक्स माइनस में सिग्मा मिनिमम बराबर क्या आ गया, टू रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस में टाओ एक्स वाई का स्क्वायर। और ये तो क्या है, लो, और ये तो क्या है, ये तो अभी तो निकाला था, टाओ एक्स डैश वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर, लो तो यहाँ से टाओ एक्स डैश वाई डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके बराबर आ गई। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया। लो बाई टू के बराबर, या इसको ऐसे लिख दो, प्रिंसिपल स्ट्रेस बाई, लो इसको कैसे भी लिख दो, ये ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालो। जब आपको नॉर्मल स्ट्रेस और जब आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, फिर आपको शेयर स्ट्रेस निकालनी है, तो आप सीधा इसी से निकालो ना, ये फॉर्मूला लगा कर क्या ही कर लोगे, ये वाला अंदर वाला, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर, ये सारी चीजें आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तब जाके कुछ आपका होगा। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके अगले वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक सभी लोग इनको देखो और प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह सभी लोग बना लो। ठीक है गाइस, ओके भाई, ओके।